दोस्तों स्वागत है आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो आप लोग बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम वीडियो के अंदर जो 4K HDR इफेक्ट वाले वीडियो देखे, तो कुछ इस टाइप का वीडियो आप लोग किस तरह से आप लोग एलाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर एडिट कर पाएंगे आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर सिखाएंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, आप लोगों को बस एंड तक देखना है। आप लोग वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो आप लोग नहीं सीख पाएंगे। आप लोग बहुत सारे गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का वीडियो 4K क्वालिटी में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते और अच्छी क्वालिटी में आप लोग एडिट भी नहीं कर पाते। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। आप लोगों को सिखाएंगे किस तरह से ऐसी 4K HDR इफेक्ट वाली वीडियो बनाते हैं लाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर। बहुत ही छोटा वीडियो और सिंपल सा इफेक्ट यूज करने से आप लोग इस टाइप का वीडियो एडिट कर पाएंगे। दोस्तों मेरा नाम है दिवाकर, आप लोग देख रहे हैं टेक्नो डिटेल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना और पास में जो बेल का आइकन उस पर भी क्लिक कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आप लोग को लाइट मोशन एप्लीकेशन का जरूरत है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप लोगों को लाइट मोशन का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। या फिर कोई भी फोटो XML फाइल चाहिए तो वो भी आप लोग टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। आसानी से आप लोग वहां से डाउनलोड करके आप लोग इस टाइप का वीडियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले करना क्या है, कोई भी एक वीडियो ऐड कर लेना है। सिंपली प्लस बेल आइकन पर क्लिक करके क्रिएट ए प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद फिर से प्लस बेल आइकन पर क्लिक करना। यहाँ पर मीडिया पर जाकर जिस वीडियो के ऊपर आप लोग एडिट करना चाहते हैं सिंपली उस वीडियो को ऐड कीजिए। सिंपली इसको फुल स्क्रीन तक कर दिए, यहाँ पर से देख सकते हैं वीडियो कुछ इस टाइप का है। इसके ऊपर वो 4K HDR इफेक्ट लगाते हैं तो सिंपली प्लस बेल आइकन पर क्लिक करना और यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेकर इसको फिल एंड कंपोजिशन एरिया कर देना है। इसका कलर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी कलर लेने से हो जाएगा। उसके बाद इफेक्ट पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर जाना है और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अदर पर जाकर कॉपी बैकग्राउंड सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करना। बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है गॉसियन ब्लर, GA लिखकर जैसे टाइप करेंगे, आप लोगों को पता है GA लिखकर जैसे टाइप करेंगे तो ऊपर ही मिल जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद गॉसियन ब्लर को कर देना है 0.500 कर देना है। करने के बाद फिर से ऐड इफेक्ट पर जाना है और इस बार दूसरा इफेक्ट ऐड करना है एक्सपोजर एंड कमा। बस ये दोनों इफेक्ट ऐड करने से ये वीडियो आप लोग आराम से एडिट कर पाएंगे लाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर एक्सपोजर को कर देना है -0.79। एक्सपोजर को -0.79 करने के बाद यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं करना, सिंपली यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो पहला रेक्टेंगल लिए उस लेयर के ऊपर क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी इसके अंदर जाकर यहाँ पर डिफरेंस के अंदर जाकर सब्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर से देख सकते आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बस फिर से प्लस बेल आइकन पर क्लिक करना, एक और रेक्टेंगल लेना है, उसको फुल स्क्रीन कर देना। करने के बाद इसका कलर जो है व्हाइट कलर कर देना। उसके बाद इस दूसरा जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी इसके ऊपर जाकर आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओवर लेयर कर देना। ओवर लेयर करने से ही यहाँ पर से देख सकते वीडियो बनकर पूरा रेडी हो चुका है। सिंपली इस इफेक्ट पूरा एंड तक कर देते दोनों लेयर को सिलेक्ट करके। यहाँ पर से देख सकते आपका वीडियो बनकर पूरा रेडी हो चुका है। और इस इफेक्ट के ऊपर और भी कलर लाना चाहते हैं तो सिंपली जो वीडियो ऐड किए उस लेयर के ऊपर क्लिक करना, ऐड इफेक्ट पर जाना है। जाने के बाद अदर पर जाकर आप लोगों को यहाँ पर चैनल रैम RGB जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद आप लोगों यहाँ पर बस एक बी का जो लाइन है इसके ऊपर जाकर GB रहेगा इसको जी कर देना। जी करने से यहाँ पर से देख सकते हैं आपका कलर जो है पूरा चेंज हो चुका है, कुछ इस टाइप का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस टाइप का 4K क्वालिटी में आप लोग कोई भी वीडियो को आप लोग इजिली एडिट कर पाएंगे। और आप लोगों को बताए आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्या करते हैं आप लोग को ऐसे वीडियो चूज करना है जिस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है वो सामने रहना चाहिए। अगर ज्यादा दूरी में रहेगा तो ब्लर टाइप का देखने को मिलेगा, या फिर ज्यादा डिस्टेंस रहेगा तो आप लोगों को जो वीडियो है वो शैडो टाइप का हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा चूज करना है कोई भी वीडियो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यहाँ पर से देख सकते हैं आपका वीडियो पूरा 4K क्वालिटी में एडिट हो चुका है। तो इसी तरह से आप लोग अपने वीडियोस एडिट कर पाएंगे और इंस्टाग्राम पर अपलोड करके आप लोग अपना फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस छोटे से वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक कर देना और इस वीडियो को अपनी गैलरी के अंदर सेव करने के लिए सिंपली आप लोगों को पता है सेटिंग्स के बगल में जो एरो का आइकन दिख रहा है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करते आपका वीडियो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोस बनाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना और पास में जो बेल का आइकन उस पर भी क्लिक कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।